नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू टाटा टियागो XT वेरिएंट के बारे में, क्योंकि टाटा मोटर्स ने अभी रिसेंटली इस XT वेरिएंट के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। क्योंकि ये जो वेरिएंट है XT, ये सबसे वैल्यू फॉर मनी है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस वेरिएंट को परचेज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ और एड ऑन फीचर्स दिए गए हैं जिसके बाद ये अपने कॉम्पिटिशन की जो कार्स हैं जैसे स्विफ्ट है या नियोस है उनके साथ और ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स आपको उनके कंपेरिजन में कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दूसरे सोशल मीडिया हैंडल जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अब हमारी वेबसाइट carquestindia.com भी लाइव है, तो वहाँ जाके आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ब्लॉग्स को रीड आउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट कार के वेरियंट से करते हैं। यहाँ पर आपको जो वेरियंट्स है वो 6 मिल जाएंगे, XE, देन XM जो सिर्फ आपको CNG के साथ मिलता है, देन XTO, देन XT ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं। अब XT रिदम भी यहाँ पे आपको मिलता है और टॉप वेरिएंट XZ प्लस मिलता है। XZ पहले आता था लेकिन अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। और कलर ऑप्शन भी जो आपको मिलेंगे, टोटल 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। ये जो ग्रे कलर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अलावा एक वाइट कलर मिलेगा, एक आपको रेड मिलेगा, एरिजोना ब्लू और मिडनाइट प्लम जो है वो पहले सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट के अंदर मिलता था, लेकिन अब उसको XT के अंदर भी आपको ऑफर कर दिया गया है। तो अगर आप XT लेना चाह रहे हैं और आप पसंद करते हैं मिडनाइट प्लम को, तो वो कलर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, तो इसकी जो विड्थ है वो 1670 mm रखी गई है। और जब इस सामने वाली ग्रिल को आप देखते हैं तो इसको कंप्लीट ग्लोसी ब्लैक फिनिश यहाँ पे दी गई है और ट्राई एरो पैटर्न का यूजेस किया गया है। अपर जो पार्ट है ये कंप्लीट ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ रखा गया है, लोअर पार्ट जो है यहाँ पे क्रोम का यूजेस किया गया है और बिल्कुल सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। और ये जो क्रोम है ये एज इट इज़ इस फेंडर से स्टार्ट हो गया उस फेंडर तक ये कंप्लीट चला जाता है। हेडलम्प्स जब आप देखते हैं तो यहाँ पे रेगुलर हलोजन बल्ब्स का यूज़ किया गया है और ये आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट्स यहाँ पे मिल जाएगी। इंडिकेटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, सो इस तरह की आपको हलोजन लाइट्स मिलेंगी और जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ओवरऑल जो लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पे लगते हैं। नीचे की तरफ आपको ये फोग लैंप हाउसिंग मिल जाएगी। अभी इस वेरिएंट के अंदर फोग लैंप्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आप इसको एक्स्ट्रा इंस्टॉल कराना चाहें तो करा सकते हैं। यहाँ पे ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है और ये जो बम्पर का फ्रंट पार्ट है, ये जो एजेस यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जब इंजन हुड भी आप इस गाड़ी का देखते हैं तो ये जो कर्व्स है ये हेडलैम्प के साथ इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये थे फ्रंट, अब चलते हैं कार के साइड में। सो जैसे आप जानते हैं कि जो टाटा टियागो एक हैचबैक सेगमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ भी रखी गई है 3765 mm। बात गाड़ी के टायर साइज़ की कर लेते हैं, सो ये एक डिफरेंस यहाँ पे किया गया है। पहले XT के अंदर आपको फुल स्टील रिम यहाँ पे मिलता था व्हील कवर के साथ, लेकिन अब आपको ये हाइपर स्टाइल व्हील्स देखने को मिलेंगे। इनकी जो लुक्स है वो एक अलॉय की तरह आती है। साइज़ बिल्कुल सेम है, 14 inches रखा गया है और टायर सेक्शन 175/65 आपको टायर सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। ORVMs जब आप देखते हैं तो ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ इनको दिया गया है। आपको इंडिकेटर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। फोल्ड आप इनको यहाँ से मैनुअली कर पाएंगे, मैनुअल ही आपको ये फोल्ड करने पड़ेंगे। और हैंडल्स जो है ये बॉडी कलर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक चेंज और किया गया है यहाँ पे कि ये जो बी पिलर है, ये पहले XT के अंदर आपको बॉडी कलर्ड मिलता था, लेकिन अब इसको यहाँ पे ब्लैक फिनिश दी गई है, जिसकी वजह से ओवरऑल ये जो साइड प्रोफाइल है ये काफ़ी इंप्रूव हो जाती है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है। सामने की तरफ डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगे और रियर में यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है आपको 170 mm मिल जाएगी पेट्रोल के साथ और CNG में आपको 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। सो ये थे साइड प्रोफाइल, अब चलते हैं कार के रियर में। सो जब कार को रियर से आप देखते हैं, रियर लुक्स भी कार के काफ़ी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल टॉप से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाएगा विद हाई माउंट स्टॉप लैंप और आपको यहाँ पे स्पोर्टी स्पैड्स मिलते हैं जिनको ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ रखा गया है। इस वेरिएंट के अंदर आपको वाइपर वॉशर डिफोगर का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो टाटा लोगो और टियागो की ब्रांडिंग की गई है। टेल लाइट्स जब आप इस गाड़ी के देखते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छे इनको डिज़ाइन किया गया है। रेगुलर बल्ब्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और जो बैक लाइट है सिर्फ उस तरफ आपको देखने को मिलेगी। इस तरफ आपको ये सिर्फ डमी दिया गया है, बैक लाइट सिर्फ उस तरफ ऑन होती है। और नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको जो बम्पर है यहाँ पे ड्यूल टोन आप एक तरह से इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये मैट फिनिश है यहाँ पे और ये बॉडी कलर रखा गया है। दो आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे जो रिवर्स पार्किंग में यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। अगेन ये जो डिज़ाइन है, जैसे फ्रंट में आपको देखने को मिल रहा था
सेम रियर में भी देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। सो अब आपको बूट को एक्सेस के लिए आपको यहाँ पे भी लॉक दिया जाता है, तो इसका यूज़ करके आप ओपन कर सकते हैं और सामने की तरफ भी आपको कंट्रोल मिलेगा। सो बूट स्पेस जब आप देखते हैं तो 242 लीटर्स का आपको बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा, और अंदर की तरफ जब स्पेयर व्हील आप चेक करेंगे तो 13 इंचेस का आपको स्टील रिम यहाँ पे मिलने वाला है। और एक चेंज और जो किया गया है यहाँ पे एक्सटी वेरिएंट के अंदर, अब आपको ये पार्शियल सेल्फ का ऑप्शन भी मिलता है। पहले आपको पेट्रोल के साथ नहीं मिलता था, सीएनजी में आपको बाय डिफ़ॉल्ट सभी वेरिएंट्स के अक्रॉस मिलता है, लेकिन पेट्रोल के अंदर पार्शियल सेल्फ नहीं मिलती थी, तो ये भी एक फीचर यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया गया है। सो ये था रियर और बूट स्पेस। अब चलते हैं कार की रियर सीट पे। सो जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं, जो डोर ट्रिम्स हैं आपको यहाँ पर ड्यूल टोन देखने को मिलेंगी, ये ब्लैक और ये लाइटर शेड का यूज़ किया गया है। हर जगह आपको प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिलेगा, कहीं पे भी सॉफ्ट टच नहीं दिया गया है। अब एक बार अंदर का कंफर्ट देख लेते हैं। सामने वाली जो सीट्स हैं उनको मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। अगर मेरी हाइट का बंदा सामने वाली सीट्स पे बैठता है तो उसके बाद ये कुछ स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा। रिक्लाइन एंगल भी ठीक है, थाई स्पोर्ट आपको ठीक मिल रहा है जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है उसके हिसाब से। लेग रूम जब आप देखते हैं वो भी आपको प्रॉपर मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि कार का जो व्हील बेस है 2400 mm व्हील बेस रखा गया है। ऊपर की तरफ हेडरूम भी प्रॉपर है, दो बंदे तो काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हैं, तीन बंदों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हेडरेस्ट भी जब आप देखते हैं तो दो हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, दोनों ही फिक्स्ड है, आप उनको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और सेंट्रल हम्प की जो हाइट है ये ज़्यादा है, जिसकी वजह से सेंट्रल पैसेंजर को अनकम्फर्टेबल होने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बोतल होल्डर, साथ ही आपको डोर ट्रिम्स में भी दिए गए हैं 1-1 लीटर के या हाफ हाफ लीटर के, आप बोतल इनके अंदर रखना चाहें तो वो आप रख पाएंगे। इस सेगमेंट के अंदर नॉर्मली आपको किसी भी गाड़ी के अंदर एसी वेंट रियर में या कोई चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। सो आप चलते हैं ड्राइवर सीट पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ। तो एक तो आपको ये इस तरह की रेगुलर की यहाँ पे देखने को मिलेगी, और जो दूसरी है वो आपको इस तरह की फ्लिप एंड फोल्ड की मिलेगी। इस पर आपको लॉक अनलॉक और फॉलो मी लाइट्स के यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से भी आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं इसको। और जब ड्राइवर डोर आप ओपन करते हैं तो ये भी आपको सेम ड्यूल टोन फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। हर जगह प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है, यहाँ पे हाफ लीटर की बोतल आप कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको मिलेंगे। यहाँ पे चाइल्ड लॉक दे दिया गया है विंडोज़ के लिए, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी मिरर्स की एडजस्टमेंट की नोब, यहाँ से आप मिरर एडजस्टमेंट कर पाएंगे। एक बार सीट्स आप देख लीजिए, ये आपको इस तरह की फैब्रिक सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे भी ट्राई एरो पैटर्न का यूजेस किया गया है। और अब एक बार सीटिंग भी चेक कर लेते हैं ड्राइवर सीट। एक जो चेंज हुआ है यहाँ पे कि पहले एक्सट्री के अंदर आपको ड्राइवर सीट जो है वो 4-way एडजस्टेबल मिलती थी, आप उसकी हाइट एडजस्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से ये जो गाड़ी है और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो रही है। जिनकी हाइट थोड़ी कम थी तो वो इसके अकॉर्डिंग अपनी सीट की हाइट को एडजस्ट करके और ड्राइव कर सकते हैं। और जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा तो मुझे काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस यहाँ पे आई, क्योंकि अभी मैंने इस गाड़ी के अंदर लगाया हुआ है इन्वोल्व्स का एम्बर परफ्यूम है। ये काफ़ी सारी फ्रेग्रेंसेज आपको यहाँ पे मिलती हैं, 75+ फ्रेग्रेंसेज मिलती है, और अभी ये एयर परफ्यूम है। सो जस्ट इसको आपको निकालना है और इस पेपर के ऊपर स्प्रे कर देना है, तो जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे आपको मिलती है। आपको यहाँ पे फाइबर परफ्यूम्स भी मिल जाते हैं, जेल फ्रेग्रेंसेज भी मिल जाती हैं, और ये काफ़ी प्रीमियम परफ्यूम है। सो अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम, तो लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, और डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट। और जैसे आप जानते हैं कि अभी जो ये इंडिपेंडेंस डे है, ये 75th इंडिपेंडेंस डे है, तो काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप इनकी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए और अपने लिए चेक कीजिए आप परफ्यूम। सो दोबारा एक बार गाड़ी की हम बात कर लेते हैं। सो स्टेयरिंग जब आप देखते हैं तो ये रेगुलर आपको यहाँ पे स्टेयरिंग मिलेगा, कोई लेदर रैप नहीं दिया गया है, लेकिन डी कट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इधर की तरफ आपको ये मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, और एडजस्टमेंट जो है टिल्ट एडजस्टमेंट आप कर पाएंगे, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। एक ये जब चीज़ आप यहाँ पे देखते हैं, स्पेस आपको दिया गया है, और अब ये यूज़ेबल है, आप यहाँ पे कुछ रखना चाहें तो अच्छे से आप यहाँ पे रख पाएंगे। अब बात करते हैं सामने की तरफ इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सो जैसे ही इग्निशन आप ऑन करते हैं आपको ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे मिलने वाला है। इधर की तरफ आपको ये शो करेगा RPM, बिल्कुल सेंटर में आपको स्पीड शो करेगा, सारे नोटिफिकेशन आपको ये यहाँ पे दिखाएगा। इधर की तरफ फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज और हर चीज़ आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ऊपर की तरफ डोर इंडिकेशन भी दिखाएगा, तो हर चीज़ आपको सामने की तरफ शो करता है। अब बात करते हैं सेंट्रल कंसोल के बारे में। सो जब सेंट्रल कंसोल आप देखते हैं तो यहाँ पे ये हारमन का म्यूज़िक सिस्टम आपको मिलेगा, विदाउट टच स्क्रीन आपको ये मिलने वाला है। एक छोटा डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिया गया है, और ये सारे आपको ये कैपेसिटिव टच बटन्स मिलेंगे इसके अंदर। FM मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
फैसिलिटी मिल जाएगी, यूएसबी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये मैनुअल एसी की यूनिट कंप्लीट यहाँ पे दी गई है, नोब्स की क्वालिटी भी नॉर्मल यहाँ पे रखी गई है। नीचे की तरफ एक यूएसबी पोर्ट और उसके साथ ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, स्पेस दिया गया है, कुछ मोबाइल वगैरह रखना चाहें तो यहाँ पे आप रख पाएंगे। अभी ये जो गाड़ी है ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, आपको यहाँ पे AMT भी मिलता है जो आपको XT और XZ प्लस वेरिएंट के साथ में मिलेगा। दो कप होल्डर्स मिलेंगे और कुछ यहाँ पे छोटा सा स्पेस दिया गया है और रियर के लिए जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया एक बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा। अब सामने की तरफ डैशबोर्ड जब आप देखते हैं तो इसको भी ड्यूल टोन के साथ रखा गया है, हर जगह प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है। एक अच्छी चीज़ जो लग रही है कि एक जैसे ये कंप्लीट ग्लोसी फिनिश है और उस तरफ जब एसी वेंट्स भी आप देखते हैं तो इन पे भी आपको एक ग्लोसी फिनिश और इनके सराउंडिंग्स क्रोम का यूजेस किया गया है जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्पीकर्स में आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आपको टोटल 4 स्पीकर्स मिलेंगे। ग्लोबॉक्स जब आप चेक करेंगे तो ग्लोबॉक्स का स्पेस भी यहाँ पे नॉर्मल रखा गया है, ऊपर की तरफ आपको टैबलेट होल्डर मिल जाएगा और नीचे की तरफ रेगुलर स्पेस आपको ये दे दिया गया है। एंड देन ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा जो अब एड ऑन किया है, पहले XT के अंदर नहीं मिलता था, आपको को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिलेगा, ड्राइवर साइड आपको ये टिकट होल्डर ही यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे भी एक टिकट होल्डर मिलता है इस तरफ, यहाँ पे भी आप हैंग कर सकते हैं, यहाँ माइक दिया गया है और जो IRVM है ये मैनुअली आप यहाँ से इसको डे नाइट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थे इंटीरियर्स इस न्यू टाटा टियागो XT वेरिएंट के। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में, तो आइए चलते हैं। सो अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सो आप सभी जानते हैं कि ये जो गाड़ी है इसको ग्लोबल NCAP के अंदर 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि सेफेस्ट कार है ये अपने सेगमेंट के अंदर। सो आपको 2 एयरबैग्स, ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, ABS ब्रेक्स विद EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और टॉप वेरिएंट के अंदर आपको कैमरा मिल जाएगा, तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं टाटा टियागो के अंदर। अब बात करते हैं इंजन की, तो ये गाड़ी आपको पेट्रोल और CNG ऑप्शन के साथ मिलती है। सो 1.2 लीटर्स का इंजन आपको यहाँ पे मिलता है, रेवोट्रॉन जिसको टाटा मोटर्स बोलता है, ये एक 3-सिलेंडर इंजन है। जब आप इसको पेट्रोल के अंदर ड्राइव करते हैं तो पावर जनरेट करता है 86 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 130 न्यूटन मीटर्स का। लेकिन आप CNG परचेज कर रहे हैं और CNG के अंदर आप इसको ड्राइव करते हैं तो पावर जनरेट करता है 73 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 95 न्यूटन मीटर्स का। CNG के साथ सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, लेकिन पेट्रोल के साथ आपको मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। 2 ईयर्स और 75,000 किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी रखी गई है, आप इसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं अप टू 5 ईयर और 1.25 लाख किलोमीटर्स तक। अब बात करते हैं प्राइजेस की, तो जो सभी वेरिएंट्स के प्राइजेस हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये XT वेरिएंट है तो इसका मैं प्राइस आपको बता देता हूँ, 6,14,900 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है आप अगर पेट्रोल मैनुअल कंसीडर करते हैं। अगर आप AMT लेंगे तो 55,000 एक्स शोरूम के अंदर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, अगर आप CNG वेरिएंट पे जाते हैं इस XT में तो आपको 90,000 एक्स शोरूम के अंदर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और सामने की तरफ जो प्राइजेज आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये सभी एक्स शोरूम प्राइजेज हैं, आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंप्लीट चेंजेस यहाँ पे बताऊँगा, तो जो पुरानी XT आती थी उससे एक्स्ट्रा आपको अब इस XT के अंदर क्या मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 5 चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, एक तो हाइपर स्टाइल व्हील्स मैंने आपको दिखाए, एक बी पिलर पे आपने देखा कि ब्लैक टेपिंग वहाँ पे दी गई है और रियर में आप एक पार्शियल सेल्फ आपको देखने को मिल जाएगी। अंदर की तरफ जब आप एंटर करते हैं तो ड्राइवर सीट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगी और को ड्राइवर साइड ऊपर की तरफ आपको वैनिटी मिरर दे दिया गया है। तो ये टोटल 5 फीचर्स आपको इस न्यू टियागो के अंदर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। सो दोस्तों ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा टियागो XT वेरिएंट का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय।